हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल में हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों का इलाज रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करके उनका इलाज करते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि भाई सेक्स टैबलेट कब लेनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए, उसके बारे में। सेक्स टॉनिक की जो टैबलेट्स आती है तो वो अलग अलग, अभी जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है वो सिल्डेनाफिल है और एक टाडालाफिल है। अब सिल्डेनाफिल की जो गोली है वो 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम ऐसे दो मात्रा में आती है, और टाडालाफिल की जो गोली है वो 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम में आती है। अब जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, इन्होंने सिल्डेनाफिल नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको आँखों का प्रॉब्लम है उन्होंने भी नहीं लेना चाहिए सिल्डेनाफिल, क्योंकि सिल्डेनाफिल रेटिना के ऊपर बुरा असर कर सकती है। तो आँख का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, उन्होंने सिल्डेनाफिल नहीं लेना चाहिए। टाडालाफिल का वो प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा, ये जो गोली है ये गोली पानी के साथ में लेना जरूरी है, और कम से कम 2 या 2.5 घंटे पहले, सेक्स करने के 2-2.5 घंटे पहले ये लेना चाहिए गोली। ठंडे पानी के साथ में ले रहे हैं आप, उसको जहाँ रख रहे हैं वहाँ भी कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए, मतलब बहुत ही कोल्ड नहीं, फ्रीज में नहीं, मतलब ठंडी जगह पे रखना चाहिए, और उसका सेवन करना चाहिए। जिस दिन आप सेवन कर रहे हैं तो सेवन करने के समय या उसके पहले शराब नहीं लेना चाहिए। खाने के बाद में यदि आप सेवन करते तो उसका इफेक्ट आने को टाइम लगता है, तो खाने के बाद में, खाने के पहले करो, 2-2.5 घंटे सेक्स करने के पहले करो। और ऐसा नहीं है कि गोली खा लिया तो शिश्न में कठोरता आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। दुनिया में अभी तक ऐसी गोली निकली नहीं है कि गोली खा ली और कठोरता आ गई। ये सिल्डेनाफिल की, मतलब ये सेक्स टॉनिक की गोली लेने के बावजूद भी, बाद में भी आपको काम क्रीड़ा करनी पड़ेगी, फोर प्ले करना पड़ेगा। और फोर प्ले मतलब काम क्रीड़ा आप करते हैं तो, और वो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, 20 मिनट कितनी भी हो सकती है, तो काम क्रीड़ा करने के बाद में फिर विचार जो आते हैं मस्तिष्क में सेक्स के बारे में, और गोली ली हुई है अंदर, तो फिर शिश्न में कठोरता आ जाएगी। तो काम क्रीड़ा जरूरी है, और उसके बाद में आ सकते हैं। फिर वातावरण का भी, मतलब ऐसा नहीं है कि गोली खा लिया तो सेक्स हो जाएगा। बहुत दिमाग के ऊपर लोड है, टेंशन है, पति पत्नी में झगड़ा हो चुका है, डर है कि भाई कोई तो भी आ जाएगा, छुपके छुपके कर रहे हैं, दरवाज़ा खुला है और हरदम डर है कि दरवाज़ा भी खुला रखना है, बंद भी करना नहीं है, और डर भी है, या चोरी छुप के कहीं खेत में कर रहे हैं, मतलब ऐसी जगह कि जहाँ हरदम दिल में डर है, तो वहाँ भी ये काम नहीं करेगी। एकदम रिलैक्स वातावरण होना चाहिए, और शांति दिमाग में है, रिलैक्स है, फोर प्ले कर रहे हैं, तो ये सेक्स टॉनिक की जो गोली है काम करेगी। टाडालाफिल जो है उसके बारे में और कोई मैं वीडियो में बता दूंगा, टाडालाफिल कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और किसने लेना चाहिए। तो अभी तक इतना ही है। काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगा, तो आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकॉन आता है उसमें हिट करो, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाएगी। आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक ग्रुप के ऊपर जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।